अगर मैं आपको कहूं कि सुशांत सिंह राजपूत ने इस दुनिया को अलविदा कहने के बाद भी भारत देश का नाम ऊंचा किया है तो आप मानोगे? जी बिल्कुल, ऐसा उन्होंने किया है। आप लोग नहीं जानते होंगे ऑब्वियसली, क्योंकि मीडिया जो है वो ऐसी बातों को कवर नहीं करती। अमेरिका की लूना सोसाइटी इंटरनेशनल ने यह अनाउंस किया है, सुशांत सिंह राजपूत की नेक्स्ट जन्मतिथि यानी कि 21 जनवरी को 2023 में जो आया था वो सुशांत मून के रूप में मनाया गया। एंड कोइंसिडेंस से पूरे साल के दौरान सुशांत के बर्थडे के दिन ही ऐसा दिन होगा जब चांद धरती के सबसे करीब होगा, यानी कि वो होगा फर्स्ट न्यू मून, जिसको सुशांत मून का नाम देकर उनको डेडिकेट किया गया। इतना बड़ा सम्मान आज तक इंडिया में किसी को भी नहीं दिया गया। और अगर आपको ना पता हो तो बता दो, सुशांत सिंह राजपूत पहले ऐसे इंडियन एक्टर थे जिन्हें चांद पर जमीन खरीदी थी। आपको तो बताया होगा स्पेस से कितना प्यार था। उनकी एक फिल्म भी आने वाली थी चंदा मामा दूर के, जिसके लिए वो नासा खुद गए थे। उनके सपनों में से एक सपना ये भी था कि वो एक बार चांद पर जरूर जाए। वो सपना उस तरह से नहीं, लेकिन इस तरह से तो जरूर पूरा हुआ। तो मैं तो थैंक यू कहना चाहूंगा लूना सोसाइटी इंटरनेशनल को, जिन्होंने सच में टैलेंट का इतना सम्मान किया और उनके नाम पे ये दिन रखा।